of science. I am here, Mrs. Bhargo, to teach you science, the chapter 3 and part 3. Now we will start with today's chapter, molecules of elements. Molecules of elements are constituted by the same type of atom. Means किसी भी molecules होते हैं किसी भी element के, उसमें एक ही तरह के atoms होते हैं. अगर for example हम अगर copper का एक piece लेते हैं तो उसमें सारे atoms copper के होंगे. They will aggregate together to form a big molecule of copper and all the molecules will combine together to form the matter. Molecules of many elements such as argon, helium are made up of only. कुछ ऐसे molecules होते हैं जो सिर्फ single atom के भी बनते हैं. तो ऐसे examples को हम monoatomic molecules elements कहते हैं. But कुछ ऐसे भी cases होते हैं जिनमें especially non-metals में two atoms together forms one molecule like oxygen. Oxygen will never exist in a single atomic state. अगर single atomic state है तो वो oxygen नहीं होगा, उसका molecule नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, nascent oxygen कहते हैं उसको. But oxygen का हमेशा molecule दो atoms together एक साथ रहेंगे और हम उसको O2 लिखेंगे. O2 जो है आपका 2 नीचे आएगा. Okay. थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल फॉर्म ओजोन, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा O3. तो इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कहलाएगा O3. द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटमिसिटी. कितने एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वो उसकी एटमिसिटी कहलाती है. मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज an indefinite number of atoms bonded together. कुछ ऐसे elements हैं जैसे carbon और कुछ और भी metals हैं जिनमें बहुत सारे atoms होते हैं और वो मिलकर एक complete structure बनाते हैं, उस particular metal का molecule बनाते हैं. अब when we will talk about the non-metals, you can see in this table so many are monoatomic. मतलब ऑर्गन है, हीलियम है, इनका सिर्फ एक एटम एक मॉलिक्यूल बनाएगा. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फ, यहाँ तक जितने एटम्स आप देख एलिमेंट्स देख रहे हैं चार, ये डाई एटमिक होते हैं. ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं. अब आता है फॉस्फोरस, सल्फर, ये भी नॉन मेटल है बट इट इज़ टेट्रा एटमिक फॉस्फोरस. और सल्फर में तो बहुत सारे एटम्स होते हैं तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पॉली एटमिक. बहुत सारे एटम्स मिलकर सल्फर बनाते हैं. देन कम्स द मोनो एटमिक इन मेटल्स, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, दे आर मोनो एटमिक, जिंक. सो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए. वॉट आर मोनो एटमिक, वॉट आर डाई एटमिक. जैसे नॉन मेटलिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, दे आर नोन एज डाई एटमिक. एग्जाम्पल्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अब आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द टेबल. Here few examples are given. You can see अलग अलग elements मिलकर एक compound बना रहे हैं. जैसे water है तो water के दो elements मिलके, hydrogen और oxygen मिलके by mass they are preparing one molecule. Ammonia है, उसमें भी nitrogen 14 होगा part, तो mass के हिसाब से hydrogen 3 part होगा. इसी तरह carbon dioxide है, carbon 3 part होगा तो oxygen 8 part होगा. इस तरह से combine कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. अब आता है कि कुछ एलिमेंट, जैसे हमने वाटर की बात करी, इनमें क्या रेशियो होता है, सिंपलेस्ट रेशियो. जब सिंपलेस्ट रेशियो की बात करते हैं तो H2O इसको फॉर्मूला है तो उन दोनों के बीच में 2:1 का रेशियो होता है. मास रेशियो एंड एटॉमिक मास में भी 1:1 मीन्स 1 का रेशियो होता है हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 यूनिट, तो 8/16 तो दिस विल बिकम 1:2. वॉट इज़ एन आयन. अब आती है बात आयन की. अब
आयंस क्या होते हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए. कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स एंड सच चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस. सो कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स. द चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस एंड आयन इज चार्ज्ड. उस पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा. अब सवाल उठता है जब ये आयन बनते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है. देखिए किसी भी एटम में तीन चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं. जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है किसी भी एलिमेंट में तो वो क्या करेगा, उसमें माइनस साइड चार्ज कम हो जाएगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कैटायन. और अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, ऐड हो जाता है, वैसे तो न्यूट्रल होता है कोई भी एलिमेंट, पर जब इस तरह के ट्रांसफर्स होते हैं रिएक्शंस में तब कैटायन और एनायंस बनते हैं. कैटायन मींस पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनायन मींस नेगेटिवली चार्ज आयन. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वाटर पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड वाटर नेगेटिवली. अब एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं. सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl. इट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन्स एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन्स. अब इसके जो पार्टिकल होंगे चार्ज पार्टिकल्स होंगे सोडियम और क्लोरीन. सोडियम पे प्लस साइन चार्ज होगा यानी कि ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा. तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज को एनायन कहते हैं. आयन्स में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स. आयन्स में सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है और कई सारे एटम्स भी हो सकते हैं. That have a net charge on them. A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. अगर ऐसा कोई एटम ग्रुप है एटम्स का जिस पे चार्ज है तो उसे हम कहते हैं polyatomic ion. So this is about the ions. Now we will explain you later on the how the these chemical formulas are formed. You know about the symbols, remember all those symbols. Then one term I want to explain you today, that is valency. What is valency? Valency is very important thing, you learn it. The combining power of element. Koi element kisi dusre element se kitne atoms ke saath combine kar raha hai ya kitna kya uski combining power hai, usko hum kehte hain valency. So with this I will finish it today, and in the next video we will meet with the writing chemical formulae. Kaise banaye jaate hain chemical formulae, iske bare mein we will learn. So this is all about